उत्तर प्रदेश के बुलडोजर पॉलिटिक्स का असर छत्तीसगढ़ की सियासत में भी चुनाव से पहले दिखाई देने लगा है। बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को यह तय करना चाहिए कि उनके नेता पीएम मोदी है या फिर योगी। बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी और शाह की जोड़ी चलेगी या योगी की राजनीति चलेगी। उनको तय करना चाहिए कि उनके नेता कौन है, योगी या फिर मोदी। मुख्य रूप से बात यह है कि उन्होंने ये लाइन कह के बुलडोजर चलाएंगे, ये लाइन कह के उन्होंने ये बता दिया कि मोदी का जादू उतर रहा है, अमित शाह का जादू ख़त्म हो चुका है और इसलिए अब योगी इनके नेता हैं। तो ये स्पष्ट करें कि मोदी और शाह की जोड़ी चलेगी कि अब योगी की राजनीति चलेगी। वो तय उनको तय करना चाहिए कि उसके नेता कौन है, योगी हैं कि मोदी जी हैं। पूरे दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। 15 साल बीजेपी सरकार ने सुध नहीं ली। राज्यपाल महाराष्ट्र के गांव हैं चंदखुरी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हमने उसका जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया और हर साल कार्यक्रम करते हैं। अब उनको बजट में हमने शामिल कर दिया कि कौशल्या महोत्सव हर साल मनाया जाएगा। देखिए, जो जो भी व्यक्ति सवाल करेगा उसके साथ यही होना है। मोदी के खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकता, अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकता। मोदी जी से सवाल करो तो एक बार सह भी लेते हैं, लेकिन अडानी के खिलाफ कोई सवाल करोगे तो बर्दाश्त नहीं होता। उसकी राहुल जी की सदस्यता भी समाप्त हुई और उसको बंगला भी खाली करा दिया गया। अभी सतपाल मलिक के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक सवाल कर दिया, उसके पीछे CBI लग गए। और जिन जिन राज्यों में आप गैर भाजपा शासित राज्य जितने हैं उसमें सब ED, IT, CBI, DRI वो सारे सेंट्रल एजेंसी लगी हुई है। तो प्रजातंत्र में सवाल पूछा जाता है, या तो विपक्ष सवाल पूछते हैं या पत्रकार सवाल पूछते हैं। पत्रकार वारदात कभी करते नहीं और विपक्ष यदि सवाल करे तो सिर उछल देते हैं, दबा देने की कोशिश। तो मुख्य रूप से बात यह है कि जो तानाशाह है ना, वो इस बात से डरता है कि मुझसे डरना लोग बंद मत करें। जिस दिन लोगों का डर खत्म हो जाएगा, तानाशाह का तानाशाही समाप्त हो जाएगा। इसलिए डरना बंद करें लोग, इससे ज़्यादा डरा हुआ है और इसलिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और लगातार वो मामला उठाते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो ननकीराम कंवर हो, चाहे अनंत कुमार साय हो, विष्णुदेव साय हो, पहले आप देखेंगे बलिराम कश्यप जी हैं, इन सबको हादसे में डाल दिया गया था। और विष्णुदेव साय को तो उस दिन हटाए जिस दिन आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस था।